उज्जैन में गुरुवार को नगर निगम की कार्रवाई के बाद बवाल मच गया। यहां नगर निगम का अमला सुबह सुबह अतिक्रमण हटाने पहुंचा। निगम अमले को इस दौरान कहीं कहीं भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि बाद में अधिकारियों की समझाइश के बाद लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताते हुए मकानों को गिराने में जुट गए। उज्जैन के केडी गेट से इमली चौराहे तक चौड़ीकरण में बाधा बन रहे धार्मिक स्थलों और मकानों के हिस्सों को प्रशासन और नगर निगम की टीम हटाने पहुंची, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। हालांकि नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों ने समझाया, तब समाज के लोगों ने खुद ही मस्जिद के हिस्से को गिराने का निर्णय लिया। वहीं मंदिरों को भी लोगों ने स्वयं हटाने की शुरुआत की। देखिए, ये केडी मार्ग जो है, ये केडी गेट चौराहे से लेके इमली तिराहे तक का जो यहाँ पर मार्ग का चौड़ीकरण होना है, इस संबंध में कुछ निर्माण हटाए जाने थे और ये निर्माण हटाने की कार्रवाई सुबह प्रारंभ कर दी गई थी सूर्योदय के साथ ही, और शांतिपूर्वक यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो विभिन्न इमारतें थी, जिनमें कुछ धार्मिक इमारतें भी थी और कुछ रहवासियों के मकानों के भी इसमें कुछ एरिया आ रहा था, उन सभी को आपसी समन्वय के साथ में हटा दिया गया है। हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, कितने धार्मिक स्थल यहाँ पर हटाए जाए? देखिए, जो कुल चिन्हित स्थल हैं वो 38 के करीब हैं। इनमें कुछ धार्मिक स्थल हैं और कुछ रहवासियों के मकान हैं। सर, कुछ सुबह कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, उसके बारे में समझाइए। देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई में कई बार असहयोग भी होता है, असहमति भी होती है, पर आपसी सहयोग और समन्वय के साथ में कार्रवाई जारी है और निरंतर चलती रहेगी। थैंक यू सर। आपको बता दें कि केडी गेट से लेकर इमली चौराहे तक जून 2023 में चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ था। बीच में 13 मंदिर, एक मजार, दो मस्जिद, दो जैन मंदिर जद में आ रहे हैं। 32 मकानों की गैलरी और आगे के हिस्से भी तोड़े जाने हैं। इसके बाद इस रास्ते पर पोल पर लाइन खींचते हुए सेंट्रल लाइट लगाई जाएगी और दूसरे अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।